वेलकम टू जिम्मेदार कौन। मैं श्रद्धा राय और बीचों बीच रोड पे खड़े होकर ये वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ, और बहुत छोटा सा वीडियो होगा पर मुझे लगता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे सामने से जो रोड जा रही है ये काली टाइगर रिजर्व रोड है, मेरे राइट में जो रोड है ये कारवा रोड है, और ये जो लेफ्ट साइड रोड है ये रोड गोवा जाती है। तो गोवा जाने के लिए एक मेन एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। यहाँ से कोई भी व्यक्ति बाहर विदाउट चेकिंग के नहीं निकल सकता है। आप ये सब जानते हैं कि गोवा एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे लिकर 40% कम रेट पे मिलता है बाकी सारे स्टेट के कारण। उसका सिंपल से रीज़न है क्योंकि यहाँ पे टैक्स लिकर पे नहीं लगता है। तो सीधी सी बात है कि लोग लिकर इंजॉय भी करते हैं और वो चाहते भी हैं कि वो लिकर यहाँ से अपने घर ले जा सकें, पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो एग्जिट पॉइंट है, चेक पोस्ट है, यहाँ पे पूरी चेकिंग होती है। आप किसी भी सूरत में यहाँ से लिकर नहीं ले जा सकते। पर अगर आपके पास लिकर की बॉटल है जो आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, थोड़ी बहुत क्वांटिटी उसमें रह गई है, तो यहाँ पे जो पुलिस चेक करती है उनको आप इन्फॉर्म करके वो बॉटल ले जा सकते हैं। ये तो ही कानूनी बात, बहुत ज़िम्मेदारी से ये पुलिस ऑफिसर्स लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी, अपने आँख से देखी, पर अनफॉर्चुनेटली मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो मैं आपको वो दृश्य बताती हूँ। क्योंकि मेरी गाड़ी पीछे थी और जो मेरे आगे वाली गाड़ी थी उनकी गाड़ी में लिकर था, और बहुत आसानी से वो लिकर को एग्ज़िट मिल गया। कैसे? 200 रुपये दे के। है ना इंटरेस्टिंग? मतलब एक तरफ कानून है जहाँ पे आप लिकर ले जाए तो आपको पनिशमेंट और फाइन भी हो सकता है, और दूसरी तरफ 200-300 रुपये दे के आप वो लिकर ले जा सकते हैं। अब ज़रा आप सोचिए, ऐसा करप्शन करने के लिए ज़िम्मेदार कौन? यहाँ तो मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं कि ज़िम्मेदार कौन। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ कि आप ड्राइव दें और फिर लेकर लेके जाएं। यही मेरा मुद्दा है, ज़िम्मेदार बनिए और लोगों को भी ज़िम्मेदार बनाइए। थैंक यू, टेक केयर।